मैं और मेरा करियर, कभी उतार कभी चढ़ाव, जिंदगी के दोनों फेज देखे हैं मैंने। कभी ऐसे अपनों ने जिनसे मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये हाथ छोड़ देगा, उसने हाथ छोड़ दिया, तो कभी ऐसा गैर जिसके बारे में मेरे जहन में नहीं आया, उसने हाथ थाम लिया। खैर, वक्त बीता, कोई बात नहीं, वक्त बीतता गया। उसी बीच में पेरेंट्स का प्रेशर कि करियर को स्टेबल करो, पीयर प्रेशर, दोस्त क्या कर रहा है, इन्हीं सब बीच में मुझे खुद के अंदर टेंशन आने लगी कि अपने लाइफ को स्टेबल करना होगा, अपने करियर को स्टेबल करना होगा, मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ जल्दी करना होगा, मेरे पास वक्त नहीं है। इसी वक्त नहीं है कि जद्दोजहद में, इस करियर को स्टेबल करने के जद्दोजहद में, मैं अपने आप को कई बार प्रेशर में पाया कि मुझे कुछ करना होगा, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। लोग कहते थे, भाई तेरे पास वक्त नहीं है, तेरा टाइम निकलता जा रहा है, कब करेगा तू कुछ अच्छा। वक्त निकलता गया, लेकिन अगर उसी वक्त को अगर मैं इतने अपने जिंदगी के इस पड़ाव पे आके जब आज एहसास करता हूं, तो मैं पाता हूं कि वो वक्त नहीं बीत रहा था, वो मैं खुद बीत रहा था। तब भी प्रेशर था और आज भी अपने आप को पाता हूं कि अभी भी मेरा करियर स्टेबल नहीं हुआ है। जिंदगी के इस पड़ाव पे आके भी आज भी पता नहीं चल पा रहा है कि मुझे लाइफ में करना क्या है। आज भी मैं करियर ऑप्शन ढूंढ रहा हूं, कभी इधर कभी उधर, कर क्या रहा हूं मैं। दोस्तों, मुझे आज भी याद आ रहा है लाइफ में जब पहली बार अपनी करियर को लेकर सीरियस हुआ था और एडवाइस मांगने के लिए पिताजी के पास पहुंचा कि आगे मुझे क्या करना है, आप थोड़ा सा गाइड कीजिए। तो उन्होंने मेरे सामने करियर ऑप्शन रखे थे, उन्होंने बोला था कि अगर तू पढ़ने में तुझे लगता है बहुत अच्छा है तो तेरे पास साइंस है, ठीक ठाक है तो तेरे पास कॉमर्स है, और अगर अपने मन की करनी है तो तेरे पास आर्ट्स है, तू बता कि तुझे क्या करना है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि वो अफसोस मुझे आज भी है, मेरे पास उनके इस पूछे सवाल का आंसर नहीं था, मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे आखिर करना क्या है। दोस्तों, आपको एक बात पता है, अगर हमारे यहाँ के स्टूडेंट गांव से या तो खुद से भागें या पिताजी पार्सल कर दें, तो यहाँ आके या तो सीए की तैयारी या फिर कोटा जाके आईआईटी की। इवन इससे ज्यादा जुनून तो तब मिलता है जब दिल टूटने पर भागें फिर तो सीधे आईएएस की। गलती ये नहीं था कि भागे थे, अरे कुछ अपने लिए अच्छा सोचा था, अपने करियर को एनहांस करना चाह रहे थे तभी तो भागे थे। गलती ये नहीं था कि भागे थे, गलती ये हो गया कि गलत डायरेक्शन में भागे थे। चलो, कम से कम इतना तो शुक्र मनाता हूं कि हमारे ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन के टाइम पे हमारे पेरेंट्स इतने ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं थे जितने पेरेंट्स आज के हो गए हैं। उन्होंने तो मुझसे मेरे ट्वेल्थ के दौरान अपनी एक इच्छा जताई थी, इच्छा क्या जताई थी, मुझसे कराया था कि डॉक्टर बनोगे, लेकिन बेचारे आज भी अपने डिसीजन पे अफसोस जताते नजर आते हैं। ऐसा नहीं है, उनकी बातों का मैंने पूरा सम्मान किया था और उनके डॉक्टर बनाने के सपने पे मैंने बायो ही सब्जेक्ट लिया था, मगर अफसोस, मेरे पूरे फैमिली मेंबर, सोचो कितना मुश्किल होता होगा, कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा बिना मौसम के, बिना बारिश वाले मौसम के, और तब मेंढक को ढूंढना, कितना मुश्किल होता होगा बिना बारिश वाले मौसम में मेंढक को ढूंढना। बेचारे कहां से ढूंढ ढूंढ के मेंढक पकड़ के लेके आते थे, लेकिन मेरा भी एक रिकॉर्ड रहा, मेरे ऑपरेशन करने के बाद एक भी मेंढक जिंदा नहीं रहा। शुक्र है मुझसे नहीं होगा, ये बात मुझे जल्दी समझ में आ गया, और मुझे जो जीजा जी यहां लेके आए थे मेडिकल की तैयारी करने, उस बात को छोड़ के मैंने कंप्यूटर का कोर्स ज्वाइन किया। लेकिन हम में से ज्यादातर बच्चे ऐसा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उम्मीदों का बोझ इतना ज्यादा बड़ा होता है ना, कि अगर आज के जो फास्ट फॉरवर्ड है ना पेरेंट्स, अगर उन लोगों का बस चले ना, तो हमारे इस दुनिया में आने से पहले ही हमें वो एक अच्छा डेवलपर बना के रख दें, और जिससे कि हम इस दुनिया में जब आए तो साथ के साथ अपना बनाया हुआ एक एंड्रॉयड ऐप साथ लेते हैं। चलिए चलते हैं थोड़ी देर के लिए फ्लैशबैक में, और अपनी बचपन से जॉब पाने तक के सफर को जरा झांकते हैं, और फिर पता करते हैं कि आखिर गलती किसकी। अच्छा, आप लोग एक मुझसे ट्रूली बात बताइए कि स्कूल में या कॉलेज में तब भी और आज भी फोकस किस चीज पे होता है, रिटेन स्किल्स पे या वर्बल स्किल्स पे, आप बताइए तो किस चीज पे फोकस होता है हम लोगों का। रिटेन स्किल्स पे सारा का सारा फोकस होता है, रिटेन स्किल्स पे। कुछ भी हो, एग्जाम होते हैं हमारे, सेशनल एग्जाम होते हैं हमारे, और कॉलेज टाइम में फोकस किस चीज पे होता है, भाई पेपर आने वाला है, लिखना है, तैयारी है ना, तो सारा का सारा फोकस किस चीज पे होता है, लिखने पे। लेकिन यही हम लोग जब स्कूल से पास आउट होते हैं, कॉलेज से इवन पास आउट होते हैं, और जब आते हैं अपने असली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में, जब हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, तो किस चीज की जरूरत होती है,
उस रिटन स्किल्स की या उस वर्बल स्किल्स की, अब ये चाहिए या ये चाहिए, आवाज है आपके पास, कॉन्फिडेंस है, आपको बोलना आता है, तो आप कामयाब। ये बात मानोगे तो अब रिटन स्किल्स की कहानी खत्म। अब आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका वर्बल स्किल्स। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मैं प्रोफेशनल लाइफ में एंट्री करने के लिए तैयार हूं, मेरा स्कूल खत्म हो चुका है, मेरा कॉलेज खत्म हो चुका है, मैं पास आउट होके अब मैं जॉब करने के लिए मार्केट में बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड, वेल ट्रेन्ड तैयार हूं। अब मुझे जॉब में एंट्री करनी है, मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, और जब मैं इंटरव्यू देने के लिए मैं गया, वहां पे जो सामने वाला बंदा बैठा हुआ था जिसने मेरा इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया, उसका फोकस अगेन किस पे, 100% वर्बल स्किल्स पे होगा। उसने मेरा इंटरव्यू स्टार्ट किया, मुझसे कई सारे सवाल पूछे और मैंने हर एक सवाल का बिल्कुल सही सही अपने हिसाब से जवाब दिया। जो पूछ रहा था मैं बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दे रहा था। खुशी से भरा हुआ लवालव घर आता हूं, और घर आने के बाद हमें कंफर्म होता है कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। अब मैंने उसके कॉल के आने का वेट करना स्टार्ट किया, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन। इतने दिन में तो मेरा सब्र टूटा नहीं, लेकिन मेरे घर वालों का सब्र टूटने लगा था। मम्मी पूछ रही थी, बेटा क्या हुआ? तो मेरे मुंह से आंसर निकला, मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा नक्षत्र ठीक नहीं चल रहा है, किसी पंडित से दिखवा के 2-4 अंगूठी तो बनवा दो। ये नक्षत्र ठीक नहीं है, ये प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। उस छोटी सी कहानी से मुझे पता चलेगा जो मैं बात स्टार्ट किया था कि आखिर गलती किसकी। चलिए दोस्तों, कहानी क्या, खुद की आप बीती सुनाता हूं। मुझे याद है मैं 8th में जब था और मेरा एग्जाम टाइम चल रहा था, उस टाइम एग्जाम के टाइम में मेरे काफी पेपर हो चुके थे, बस एक पेपर मेरा बच गया था, वो था हिंदी का। और आप लोगों को पता हो शायद, भलीभांत इस बात को जानते हैं कि बीइंग अ सरकारी स्कूल स्टूडेंट हमारे सपने ही क्या, हमारे तो सपने ही इतने होते हैं कि बस कैसे भी कर लो दोस्त 33 आ जाना चाहिए। उसी 33% लाने के जुगाड़ में मैं, एक मैम थी मेरे उस टाइम, मुझे याद है संगीता मैम, उनके पास गया, और बहुत अच्छी मैम थी मेरी, उनसे ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी थी। मैम ने मुझसे बोला कि अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, पेपर ही तो है, पास हो जाएगा। तू ये बता मुझे कि सबसे जो हिंदी के एग्जाम में या इंग्लिश के एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका 33% कम से कम वेटेज होता है, वो कौन सा? मुझे याद है मैम, वो एसे, जिसको निबंध बोलते हैं हिंदी में। मैम निबंध बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तूने बोला एक काम कर, मैं निबंध बता देती हूँ तुम्हें, 100% वही आएगा, तुम्हें वो निबंध बता देती हूँ, तू वो याद कर ले, और ऊपर से 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से तो कर ही लेगा, 33 आ जाएगा तेरे। मुझे बताई थी उस बार की इस बार में जो एग्जाम होगा हिंदी का, उसमें मैं बता रही हूँ ये जो निबंध आने वाला है इस बार, वो निबंध आएगा हाथी पे। और उन्होंने बोला कि इस निबंध को बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ कर लो, मैं कह रही हूँ यही आएगा। कॉन्फिडेंस से लबालब भरा हुआ इंसान, मैंने कंठस्थ कर लिया अच्छे से हाथी पे निबंध। अब एग्जामिनेशन का टाइम आया, एग्जाम का दिन आया, एग्जामिनेशन का दिन तैयार, टीचर तैयार, क्वेश्चन पेपर तैयार, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ लबालब मैं भी तैयार। पहले मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी वो क्वेश्चन जो मुझे पहले से आते थे मैंने उसको कर लिया, जिससे कि वो 33 में से 15-20% आ गए, के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है तो वो तलवन से काम चला लूंगा। अब जैसे ही मैंने क्वेश्चन पेपर को ऐसे पलटा निबंध वाले साइड में, पता चला मेरी किस्मत खराब। निबंध तो लिखने के लिए आया, लेकिन जिस पे मैंने याद किया था उस पे नहीं आया। साथ के साथ एक ऐसे टॉपिक पे निबंध लिखने के लिए आया जिसका उस हाथी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। निबंध का टॉपिक था बाढ़, एक प्राकृतिक आपदा। अब कर लो, लिख लो अब निबंध। 1 मिनट के लिए तो मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था दोस्तों, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि कॉन्फिडेंस फिर किस बात का, पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक एक चीज में तो एक्सपर्ट हूं, जिसमें हम सब ही गए हैं, लिखने में। थोड़ी देर के लिए अपने आपको शांत किया, मैंने कहा कोई बात नहीं लिखूंगा। अब बताता हूं वो निबंध का टॉपिक क्या था, जिसका उस हाथी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने निबंध लिखा और बिल्कुल सही लिखा। आपने भी ऐसे लिखा होगा, इमेजिन करके देखेंगे, जब ये कहानी अंत करूंगा आपको पता चलेगा कि सच में आपने भी ऐसे लिखा होगा। मैंने कैसे निबंध लिखा था, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगा। देखता हूं क्या आप में से कुछ लोगों ने भी ऐसे काम किए हैं। चूंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं 8th क्लास में था, दैट मींस थोड़ा सा ज्ञान तो मुझमें था कि बाढ़ होती क्या है, प्राकृतिक आपदा है। तो मैंने क्या किया, पहले हेडलाइंस लिखा, उसका स्टार्टिंग का इनिशियल लाइन लिखा। मैंने लिखा बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें जानमाल की नुकसान होती है, ये तो सबका आता है। मैंने भी लिख दिया कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है उसमें जानमाल की नुकसान होती है। इससे आगे बाढ़ का मेरे पास कंटेंट है नहीं है, मेरे पास तो हाथी का कंटेंट है। तो अब देखिए मैं उस हाथी का सीखा हुआ निबंध, हाथी का याद किया हुआ निबंध उस बाढ़ के अंदर कैसे घुसेड़ दूंगा।
अब मैंने क्या किया इससे आगे की कहानी आपके लिए। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा जिसमें जान माल की नुकसान होती है, इतना मुझे आता था। इससे आगे भी मुझे आता है, मैंने इंट्रोड्यूस किया। एक बार एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था और रामू के पास एक हाथी था। आगे कहानी हाथी, लेकिन समस्या यहां है ये कि यहां तो अभी कहानी में हाथी आया है, बाढ़ कहां है? टेंशन मत लीजिए, बाढ़ भी आएगा। अचानक रामू के गांव में बाढ़ आ गई और उस बाढ़ से बचने के लिए रामू अपने किस पे बैठ गया? अपने हाथी पे बैठ गया। 3-4 दिन पानी को सूखने में लगे तब तक रामू कहां बैठा रहा? उस हाथी पे बैठा रहा। बीच बीच में हाथी ने उस रामू को केले वेले तोड़ के खिलाए। ठीक है, अब आपको कहानी का कंक्लूजन देना चाहूंगा। आप लोगों को याद हो कि कहानी का मेन निचोड़, मेन सारांश लास्ट लिखना होता है, तो मैंने भी लिखा। मैंने लिखा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बाढ़ से बचने के उपाय करने चाहिए, जैसे कि रामू ने किया था। यह है हम और यह हमारा एजुकेशन सिस्टम। भड़ास उतार रहा हूं अपनी भड़ास कि यह है हम और यह है हमारा एजुकेशन सिस्टम। गलती किसकी है आप खुद डिसाइड कीजिए। अब समस्या यह है कि वहां पे स्कूल में, कॉलेज में बाढ़ के कहानी में हाथी का कहानी घुसा के तो काम चला सकते हो, लेकिन यहां रियल लाइफ में जॉब पाने के दौरान बाढ़ की कहानी में हाथी घुसा के काम नहीं चलेगा। यहां पे रिटन स्किल्स नहीं, यहां वर्बल स्किल्स चलता है। प्रॉब्लम की जड़ है ये है जड़। ऐसे कई सारे भड़ास अपने दिल में पाले हुआ हूं लेकिन सॉल्यूशन के साथ। तो मैं अब एक वीडियो में वो पॉसिबल नहीं है कि ये सारे भड़ास और सॉल्यूशन एक ही वीडियो में उतार दूं, तो मुझे लगता है ये सीरीज होगा। आगे टाइम के साथ मैं सारे सॉल्यूशंस के साथ आप लोगों के सामने फिर से हाजिर होऊंगा। आपसे सिर्फ इतना गुजारिश करना चाहूंगा कि मैंने जो आज बताया ये मैं क्या भड़ास उतार रहा था, आप मेरे वीडियो को देखिएगा, इसको एनालाइज कीजिएगा। करियर गाइडेंस लेके मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर हूं।